हेलो गाइस, मैं हूँ जी और ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं बोलते बोलते ये ऐप बनाऊंगा। ज़्यादातर मैं अभी तक मैं सिर्फ पीछे बैकग्राउंड सॉन्ग देता था। ये मेरा पहला वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें अब ये इमेज ले ली, इस इमेज को चूज कर लेते हैं। मेरे पास ये इमेज पहले से है, तो ये इमेज मैंने गूगल से डाउनलोड की है। आपको जो इमेज अच्छी लगे आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे इसे एक्सपोर्ट कर देना होगा। वो एक्सपोर्ट की रीत आपको आती होगी। आप इस इमेज को हम चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें नीचे एक लेबल चाहिए। लेबल में हम लिखेंगे मोस्ट वेलकम टू माई म्यूजिक ऐप। ये हमने लिख दिया है। अब इसके साइज वेट्स को चेंज कर देते हैं। अभी हम लोग आपको जिस हिसाब से चेंज करने हैं आप उस हिसाब से चेंज कर दीजिए। मैं लगभग इस हिसाब से ही इसे चेंज करने वाला हूँ। तो अभी मैंने ये सारा काम धंधा सब कर दिया है, इसको अच्छा सा डिजाइन दे दिया है। और डिजाइन मैं बाद में दे दूंगा अच्छे से। अभी इसका साइज 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 30 रख देते हैं। अब नीचे एक और लेबल लाते हैं, और उस लेबल में हमें लिखना है क्लिक हियर। क्लिक हियर टू टू मिस्टेक्स टू स्टार्ट। अभी हमने इसका साइज हमें 20 कर देना है। अब ये ठीक हो गया, लगभग 25 कर देते हैं। इसको थोड़ा ऐसा छोटा कर देते हैं। अब नीचे एक बटन लाना है, बटन के अंदर हमें लिखना है क्लिक हियर। और चलिए बटन का टेक्स्ट बदल लेते हैं। वो तो अभी क्लिक, ये क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है। क्लिक हियर अब हो गया। अभी हम सेकंड स्क्रीन पे चलते हैं। ये आ गया हमारा स्क्रीन टू। अभी यहाँ पे ये टेक्स्ट लेबल, ये टेक्स्ट लाते हैं, और यहाँ पे हमें लिखना है अरे ये स्पेलिंग मिस्टेक्स। यहाँ पे लिखना है रन फ्री, और यहाँ पे सामने और इसका साइज कर देते हैं 15, 15 नहीं 20, आपको 25, आपको जो अच्छा लगे। अब यहाँ पे एक बटन लगते हैं, वो बटन हमारा प्ले बटन होगा जिससे ये म्यूजिक रन होगा। तो लिख देते हैं प्ले ले। हाँ ठीक है, अभी हो गया। इसका वेट साइज सब जो आपको आपको इंक्रीज करना है आप कर देना। अब ये बटन हमारा स्टॉप बटन है जिससे हमारी वो ऐप स्टॉप हो जाएगी, तो इसमें लिख देते हैं स्टॉप। अब इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्योंकि हम है ना इसका साइज छोटा रखेंगे प्ले बटन का साइज थोड़ा, और आपको ऐसे डुप्लीकेट करते करते ऐसा बनाना है। मैं अभी दूसरी स्क्रीन में स्विच कर रहा हूँ, आपको ऐसा डुप्लीकेट बनाना करना है। अब दूसरी स्क्रीन में आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ऐसा सेम टू सेम बहुत सारे बना दिए। आपको सामने अपने बटन रखना है, और यहाँ पे आप थंबनेल्स पे जाके आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थंबनेल्स पे जाकर सिलेक्ट कर दिया है। अब आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको सबसे पहले एक इवेंट लेना होगा। मैंने ज़्यादा प्रोग्रामिंग कर दिया है। फिर आपको आपको उस इवेंट के अंदर बटन की आईडी जो है बटन 16 आईडी है, तो उसके अंदर बटन 16 पे बटन 16 सिलेक्ट कर लेते हैं। और बटन 16 हमें स्क्रीन टू में जाना है, तो स्क्रीन टू सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम जब भी रन करेंगे, जैसे हम क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब बाद में हम उन प्ले बटन को क्लिक करने के लिए हम एक दूसरा इवेंट लेंगे।
अब उसके लिए हमें स्क्रीन टू चाहिए, हम स्क्रीन टू से आईडी लेके आते हैं। अभी स्क्रीन टू में ये रहा प्ले बटन थ्री ये, और बटन फोर ये आईडी हो गई। अब चलिए चलते हैं। अब ये हमें चालू हुई है बटन थ्री, जब चालू होगा तभी और हम ये बटन हमें सॉन्ग सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, सॉन्ग सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे अभी हम। तो सॉन्ग सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे मेक न्यू सॉन्ग पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट से ही सारे सॉन्ग डाउनलोड किए हैं। अब इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको इस वेबसाइट में सिंपल ही जाना है, यहाँ पे एक सर्च बार होगा, वहाँ पे आपको अपना सॉन्ग सर्च करना है। जैसे मैं अभी कोई भी ऐसा रैंडम सॉन्ग सर्च करता हूँ, ये नहीं, ये वाला सॉन्ग मैंने सर्च किया, ये सॉन्ग मैंने सर्च कर लिया और सर्च कर लेता हूँ उसे। ये सर्च करने के बाद ये जो टैब खुला है उसे क्लोज करना है और यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सॉन्ग की कैटेगरी आ गई है। आपको जो सॉन्ग आपको पसंद हो, ये फ्री कॉपीराइट फ्री है, तो आपको यहाँ से आप डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद मैंने यहाँ पे कई ऐसे डाउनलोड करके रखे हैं जहाँ से मैं ले सकूँ। तो अभी चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं, चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं, या चूज कर सकते हैं आप। चलो बाहर बाहर निकलते हैं। अरे सॉन्ग सिलेक्ट करना था, तो सॉन्ग पे वापस चलते हैं और ये मेक में जाते हैं, और ये सॉन्ग जो भी हमें लेना है इसे चूज कर लेते हैं। अब ये बटन थ्री है। अब बाद में हमें एक दूसरा इवेंट क्रिएट करना है बटन फोर के लिए, जिससे सॉन्ग स्टॉप हो जाएगा। तो उसके लिए हमें बटन फोर सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, ये कर लिया। अब इसमें भी ये प्ले सॉन्ग का ही, सॉरी सॉरी, स्टॉप सॉन्ग का डालेंगे। फिर ये चूज कर लेते हैं, जो जो भी सॉन्ग हमें स्टॉप करना है हमने वो प्ले बटन के अंदर डाला है, उसके अंदर सिलेक्ट करने के बाद तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं उसे। फिर बाद में हमारा ये पूरा एकदम तैयार हो जाता है कोड, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप ये क्लिक करने के बाद आप ये कोई भी एक पे क्लिक कर लेंगे तो वो सॉन्ग अपने आप चालू हो जाएगा। तो और बाजू में स्टॉप बटन से आप उसे बंद भी कर सकते हैं। तो आपको ये ऐप कैसा लगा प्लीज, आपको ये ऐप कैसा लगा प्लीज हमें डिस्क्रिप्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I have you.